अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एडिटोरियल वर्ड सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। एज़ यूजुअल ये वहीं से शुरू हो रहा है सिनोनिम गेम के साथ। एक कॉलम में नंबरिंग ऑर्डर में वर्ड्स लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सिनोनिम्स लिखे हैं। आपको चाहिए कि आप वर्ड जो नंबरिंग वाला कॉलम है उसको अल्फाबेटिकल कॉलम में दिए हुए वर्ड से मैच करें, कौन सा वर्ड मैच करता है। इससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे सारे वर्ड। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत छानबीन करके इनकी मीनिंग लिखी गई है। इसमें कम से कम 4 डिक्शनरियाँ मैंने यूज़ की हैं, एक ऑक्सफोर्ड के लिए, एक कैम्ब्रिज के लिए। और दूसरी डिक्शनरी को टच करने के बाद मैं ये सारे वर्ड्स जो होती हूँ उनकी मीनिंग निकालती हूँ, उनकी जो है सिनोनियम लिखती हूँ और उनके सेंटेंसेस और उनकी जो उनके साथ स्ट्रक्चर बनते हैं वो लिखती हूँ, और उसके साथ साथ जिस इनके सारे यूसेस समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेरा काम होता है, कम से कम मुझे इस पर 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, मेरा तरीका समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं इसको और मज़ीद आसान बनाऊँ और पाबंदी से ये सीरीज़ बनाऊँ। अगर इस पर लाइक कमेंट शेयर नहीं आएंगे तो मैं ये सीरीज़ ऑफ़ कर दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्ब और एडजेक्टिव और छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाऊँगी। अभी भी जो मैंने ये पार्ट 5 बनाया है, ये एक व्यूअर की रिक्वेस्ट है, बदर मुनीर, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि प्लीज़ भी कंटिन्यू एडिटोरियल्स। तो ये पार्ट 5 में बदर मुनीर को डेडिकेट करती हूँ। इससे लग रहा है कि इन्हें पढ़ने का और इन्हें समझने का बहुत शौक है। अल्लाह इनको कामयाब करे और मैं चाहूँगी कि ये सिनोनियम्स का आंसर दें कमेंट में और हमेशा कनेक्टेड रहें इस चैनल से। थैंक यू वंस अगेन बदर मुनीर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज़ प्रेलूड। प्रेलूड एक नाउन प्लस वर्ब है और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये ज़्यादातर ऑफिशियल रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन के हेडिंग डालते हैं, इसी तरह अगर कोई ऑफिशियल राइटिंग होगी, जो हाई क्लास की राइटिंग होगी, इंग्लिश राइटअप होगा, उसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखा होगा हेडिंग में, उस पर लिखा होगा प्रेलूड। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप कोई इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग में इंट्रोडक्शन ना लिखें बल्कि प्रेलूड लिखें। ये आई कैचिंग है उस शख्स के लिए, तो ज़रूर आई कैचिंग है जो इस वर्ड को जानता है, लेकिन उस शख्स के लिए नहीं है जो इसको नहीं जानता। अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है या आपकी प्रेजेंटेशन में आ रहा है तो आप प्रेलूड करके उसको आगाज़ कर सकते हैं वर्ड बोलकर, या अगर आप किसी से तारुफ लेना चाह रहे हैं तो प्रेलूड बोलें ताकि उसको हिंट करेगा। इसकी विकैबलरी बहुत अच्छी है, इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। इसका मतलब होता है ऐसे जैसे शुरुआत हो, पहली तो मीनिंग ये निकलती है ऐसे जैसे शुरुआत हो। ये वाली जो मीनिंग है ना, इसको आपको तब समझ में आएगी जब इसके हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। दूसरी मीनिंग है इसकी तहमीदी अमल या कार्रवाई, शुरुआती अमल, जो शुरुआती अमल होता है सलाम दुआ का होता है या फिर कुछ भी बात करने का शुरू का अमल होता है, उसको हम प्रेलूड यानी तहमीदी अमल या कार्रवाई कहते हैं। आगाज़ करना, तारुफ करना, ये इसकी आम से मीनिंग है। सिनोनियम इसका इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड और ओवरव्यू। सेंटेंस से देखते हैं क्या मीनिंग्स निकलती हैं इसकी और समझ में आएगा। जाहिर सी बात है उसका तबसरा लेक्चर का महज तारुफ था, मतलब उसने जो शुरू में तबसरा किया वो सिर्फ लेक्चर का तारुफ था, मतलब कोई प्रोफेसर है उन्होंने लेक्चर दिया और लेक्चर देने से पहले उन्होंने कुछ बातें शुरू कर दी, तो वो जो तबसरा उन्होंने किया वो लेक्चर शुरू करने का तारुफ था, यानी कि ऑडियंस जो है वो फोकस में आ जाए। ऑब्वियसली हिज रिमार्क वॉज मेयरली अ प्रेलूड टू अ लेक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका फौरी जहनी दबाव में आ जाना आगाज़ था उसकी मुकम्मल जहनी खराबी की। अब यहाँ आगाज़ से वो हुआ है प्रेलूड, ऊपर कहाँ से हुआ था, तारुफ के सेंस में हुआ था, जैसे कि हिज फ्रीक्वेंट डिप्रेशन वर द प्रेलूड टू अ कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन। आगे मैंने प्रेलूड के 2 स्ट्रक्चर बताए, एक तो एडजेक्टिव या नाउन लगा के हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर प्रेलूड यूज़ करना, जैसे डिस्कशन वर अ प्रेलूड, ये बहस मुबाहिसा बस आगाज़ था। स्ट्राइक्स आ प्रेलूड, ये जो स्ट्राइक्स थी ये सिर्फ उनके आगाज़ था। और दूसरा है मैंने एक सेंटेंस है उसके साथ एज अ प्रेलूड लगा दें, यानी कि कोई एक जुमला है जिसको आपको रिजेंबलेंस करना है कि ये इसकी शुरुआत हो चुकी है ऐसे, जैसे कि ये बड़ा फेमस सेंटेंस है जो कि मुझे ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में टकराया है, लिविंग टुगेदर एज अ प्रेलूड टू मैरिज, ऐसे साथ रहना जैसे शादी से पहले रहते हो। तो मतलब यहाँ पर आगाज़ बताया गया है शादी से पहले रहने की कार्रवाई का। आई होप कि आपको प्रेलूड अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आया है समझ में तो कम से कम इसके 3 सेंटेंसेस मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप एक नाउन प्लस वर्ब है। ज़्यादातर स्ट्रैप का सबको ये पता होगा, कोई
तस्मा है, कोई डोरी है, दज्जी है, तो स्ट्रैप की मीनिंग सबको ऐसे क्लियर होगी। लेकिन स्ट्रैप की बहुत सारे मीनिंग्स निकलती हैं और अलग अलग सेंस में निकलती है। जैसे सज़ा के तौर पर मारना भी स्ट्रैपिंग कहलाता है, कसना, कस के रखना, मतलब किसी चीज़ को कसना, रस्सी को कसना, बेल्ट को कसना, उसको भी स्ट्रैप कहेंगे। किल्लत होना, कमी होना, तंदरुस्ती होना, उसको भी स्ट्रैप कहेंगे। प्लस्तर लगाने को भी स्ट्रैप कहेंगे, लपेटने को भी स्ट्रैप कहेंगे। इसके सिनोनिम में फ्लॉग और स्लैश एज एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज में यूज़ होता है। कैश स्ट्रैप यानी फंसी हुई नकद रकम, कहीं किसी ने कोई काम किया और उसको नकदी नहीं मिली तो उसका कैश स्ट्रैप्ड हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे कतई किसी तस्मे किसी डोरी की मिसाल नहीं ली है, वो सबको समझ में आता है स्ट्रैप वर्ड। ये खुसूसन न्यूज़ लैंग्वेज का और बिजनेस लैंग्वेज का वर्ड है, तो मैंने उसको इसी सेंस में डिफ़ाइन किया है। मैं थोड़ा नकदी रकम के लिए फंस गया हूँ, क्या बाद में पैसे दे सकता हूँ? मतलब मेरे पास अभी नकदी रकम नहीं है, क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? आई एम बिट स्ट्रैप फॉर कैश, मे आई पे लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉर्पोरेट ऑनर अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं टैक्स अदा करने के लिए। कॉर्पोरेट ऑनर्स ऑफन फाइंड देमसेल्फ स्ट्रैप फॉर कैश टू पे टैक्सेस। बहुत ज़बरदस्त है उसको अपने कैश के साथ, मनी के साथ रिलेटेड करें और उसे डेली बेसिस पे बोलें तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ कीप इन द व्यू। कीप इन द व्यू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निगरानी करना, नज़र में रखना, ध्यान रखना, हिफाजत करना, निगहबानी करना। सिनोनिम में प्रोटेक्ट, ओवरसी, पेट्रोल। फॉर इंस्टेंस, ये वो मेन पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। अब ये जो ध्यान में रखना है ना मेन पॉइंट, ये कीप इन व्यू है। दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर यू टू कीप इन व्यू। नेक्स्ट सेंटेंस और भी अच्छा है, अंजाम को नज़र में रखो, अंजाम को ध्यान में रखो, दैट एंड यू विल कीप इन व्यू। मतलब ये स्टार्टर सेंटेंस है, उसके बाद कोई अंजाम बता दे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये स्टार्टर सेंटेंस है, ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। अच्छा है ये कीप इन द व्यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ गारंटली। गारंटली एक एडवर्ब है जिसका आशकाना, मर्दाना या जाँबाजी से। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन सब करूँगी जब मैं अपनी एडवर्ब सीरीज है इसके ऊपर, तब मैं गारंटली को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसके सिनोनिम में थॉटफुली, जेंटली। फॉर इंस्टेंस, उसने आशकाना अंदाज में घर ले जाने की पेशकश की उसे, मतलब किसी लड़की को आशकाना अंदाज में घर ले जाने की पेशकश की है। ही गारंटली ऑफर टू टेक हर होम। वो जाँबाजी से तन तनहा लड़ी, शी गैलेंटली बैटल अलोन। नेक्स्ट वर्ड इज एनर्शिया। एनर्शिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है जमूद, ठहरा हुआ, पुरसकून या सुकून में, या कह लें इतना ठहरा हुआ कि वो इंसान काहिल लगे, बेअमल लगे, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा, वो इतने सुकून के अंदर है। सिनोनिम इसका इनएक्टिविटी, अपैथी, लेजीनेस। फॉर इंस्टेंस, उसने अपनी काहिली पर काबू पा लिया था, ही हैड ओवरकम हिज इनर्शिया। अब नीचे मैंने इसके साथ दे रखे हैं इनर्शिया के साथ कौन से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ होते हैं या सेंस, किस सेंस में इनर्शिया यूज़ होता है, नॉवेल्स में, बुक्स में, या एडिटोरियल्स में, या मैगजीन्स में। फीलिंग ऑफ इनर्शिया यानी काहिली की, बेअमली की महसूसात हो रहे हैं, फीलिंग ऑफ इनर्शिया आ रही है, काहिल रहूँ मैं थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसको काम करना था, उसने उस मोमेंट को वेस्ट कर दिया और वो बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सुस्ती भरा लम्हा। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया यानी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किसी काम की नहीं है, वो काहिल है, वो सुस्त है। हैव इनर्शिया मतलब बेसुकूनी होना, मतलब बेअमली होना, बेसुकूनी नहीं, सुकून होना, बेअमली होना, काहिल होना। आउट ऑफ इनर्शिया मतलब काहिली से निकलना, बेअमली से निकलना। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्टिपेटेड। या एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है कब्ज़ होना यानी हजम ना होना। इसे इरेगुलरिटी कहते हैं, मतलब रोज़ाना तो हजम होता है, अगर कभी कभी ना हो तो वो कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम ज़्यादा फाइबर खाओगे तो तुम्हें कब्ज़ नहीं होगा। इफ़ यू ईट मोर फाइबर यू विल नॉट गेट कॉन्स्टिपेटेड। हजम ना होने का मतलब अपने लिए जहरीला होना। कॉन्स्टिपेटेड मीन्स सेल्फ पॉइजनिंग। और ये अलग सा यूज़ है, उसका दिमाग कुछ भी सीख नहीं पा रहा। अब सीख नहीं पा रहा मतलब उसके दिमाग में कुछ हजम ही नहीं हो रहा, जो वो सीख रहा है वो वेस्ट जा रहा है, तो वो भी उसका दिमाग क्या उस वक्त कॉन्स्टिपेटेड स्टेट में, हिज माइंड इज़ इन कॉन्स्टिपेटेड स्टेट। अब आगे मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया, कॉन्स्टिपेटेड प्लस नाउन या जेरंड लगाकर आप बना सकते हैं। कॉन्स्टिपेटेड कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर अगर कोई काम नहीं कर रहा और बिल्कुल वो स्टक हो गया है, अक्सर हो जाते हैं कंप्यूटर, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कॉन्स्टिपेटेड कंप्यूटर, कॉन्स्टिपेटेड पॉलिटिशियन, कॉन्स्टिपेटेड फैमिली, कॉन्स्टिपेटेड मेमोरी, कॉन्स्टिपेटेड स्टाफ। मतलब आप किस जिसको आपकी बात समझ में नहीं आ, आप उसे कॉन्स्टिपेटेड, यू आर कॉन्स्टिपेटेड पर्सन।
लास्ट वर्ड इज़ मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का एक एडवर्ब है जिसका मतलब बहुत एहतियात से, बारीकबीनी से, मोहतात तरीके से, मोहतात अंदाज में। ये एक एडवर्ब है, इसको भी मैं अपनी एडवर्ब सीरीज़ में अच्छी तरह बताऊँगी, अच्छी तरह से बताऊँगी, लेकिन अभी भी मैं अच्छी तरह ही बता रही हूँ। इसका सिनोनियम है करेक्टली, अप्रॉक्सीमेटली, कॉशियसली। इसके सेंटेंस है, उसने गन को एहतियात से साफ़ किया। अब एहतियात से किया मतलब ही मेटिकुलसली क्लीन हिज गन। अब आगे मैंने इसका एक यूजेज बताया, मेटिकुलसली के साथ अब वर्ब लगाएं जिससे ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को और ये एडवर्ब का सेंस देगा पूरा। लाइक चेक्ड मेटिकुलसली, उसने बहुत एहतियात से चेक किया। मेटिकुलसली प्लान, ये बहुत एहतियात से इसका मंसूबा बनाया गया था। मेटिकुलसली एंटर्ड, वो बहुत एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड विद मी।